दोस्तों न्यूनतम मजदूरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तोहफा उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को हरी झंडी दी। स्नातकों को 19,572 से कम वेतन नहीं दे सकते। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में पूरे डिटेल से। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली में स्नातक कर्मचारियों को 19,572 रुपए प्रति माह से कम वेतन नहीं दे सकते। दिवाली से पहले शीर्ष अदालत के इस फैसले से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों और अनुबंध पर काम करने वाले करीब 50,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि जस्टिस यू ललित की पीठ ने साफ किया है कि कर्मचारियों को कोई एरिया नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 3 मार्च 2017 को न्यूनतम मजदूरी में 11.1% तक बढ़ोतरी की थी। इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय चले गए। न्यायालय ने 4 सितंबर 2018 को दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंच गई। करीब 2 साल से यह मामला अदालतों में लंबित था। गुरुवार को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आया है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाकर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही पीठ ने इस मामले में दायर की गई अनर्जियों को त्वरित सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया है। यह अपीलें विभिन्न नियोक्ताओं तथा फैक्ट्रियों मालिकों ने दायर की थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए 4 सदस्यीय मूल्य संग्रह समिति का गठन किया था। समिति ने सभी 6 श्रेणियों में 11.1% तक वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। आपत्ति और सुझाव के बाद 31 जनवरी को यह रिपोर्ट अदालत में रखी गई थी। इसके चलते महंगाई भत्ते बढ़ाने पर भी रोक लगी थी। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि कोर्ट ने उनकी बात मानी है और दिवाली से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अदालतों में मुकदमे की वजह से 2 साल से कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अदालत के इस फैसले के चलते बीते करीब 1 साल से नहीं मिल रहे महंगाई भत्ते का भुगतान भी मिलेगा। जल्दी इसके लिए आदेश जारी किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अकुशल के लिए पहले जो तनख्वाह रखी गई थी वो थी 13,350 रुपए, जिसको अब बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दिया जाएगा। अर्धकुशल के लिए 14,698 थी, जिसको बढ़ाकर 16,341 कर दिया जाएगा। कुशल के लिए 16,182 थी, जिसको बढ़ाकर 17,991 की जाएगी। नॉन मैट्रिक्स के लिए 9,724 रुपए तनख्वाह मिलती थी, जिसको बढ़ाकर 16,341 कर दिया जाएगा। गैर स्नातक को 10,764 रुपए, जिसको बढ़ाकर 17,991 रुपए, और स्नातक व सुपर वाले कर्मचारियों को अब 11,830 रुपए की जगह पर 19,572 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों कामगारों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा निकल कर आ गया है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको उच्चतम न्यायालय का यह फैसला कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोग कौन सी कंपनी में कर्मचारी हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।